नमस्कार दोस्तों, एक कहानी है आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। और जिस तरीके से इस कहानी ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मुझे लगता है आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसे सुनकर। एक बॉय था, कॉलेज में वो पढ़ता था। एक स्पोर्ट्स कार के शोरूम के बाहर से वो गुजर रहा था। बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कार उसने उस शोरूम में देखी और उसने विश करा कि ग्रेजुएशन डे पे ये कार मेरी हो जाए। एंड उसके फादर बहुत ज़्यादा रिच थे तो वो इजीली उसको अफोर्ड कर सकते थे। एक वीक पहले वो अपने फादर के पास उस कार का पैम्पलेट लेके पहुंचा और उसने बोला, डैड, आई एम ग्रेजुएटिंग विथ फ्लाइंग कलर्स, सो आई वॉन्ट दिस स्पोर्ट्स कार ऑन माई ग्रेजुएशन डे। तो जैसे जैसे ग्रेजुएशन डे नज़दीक आ रहा था, यंग मैन जो था वो इंतज़ार कर रहा था कि उसको कुछ सिग्नल मिले कि उसके फादर उसके लिए कार खरीद रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन ग्रेजुएशन डे आया, उसके फादर ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया और बोला, सन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, हियर इज़ योर गिफ्ट फॉर योर ग्रेजुएशन। बच्चा बहुत क्यूरियस था, बहुत एक्साइटेड था कि उस बॉक्स में क्या है। उसने जैसे ही उसको अनपैक करा तो उसने देखा कि उसमें एक भगवद गीता थी जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करी थी। तो उसने रिस्पॉन्ड करा, विथ ऑल योर मनी यू गिफ्टेड मी ए भगवद गीता फॉर ग्रेजुएशन। गुस्से से तमतमाता हुआ वो बच्चा वहाँ से चला गया। बहुत साल गुजर गए और वो लड़का यंग बिजनेसमैन बन चुका था। कुछ दिनों बाद उसके फादर की डेथ हो गई एंड उसके फादर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वो अपने फादर के ढूंढ रहा था और वो ढूंढते ढूंढते उसे वो भागवत गीता वैसे के वैसे वहीं पे मिली जैसे उसने बहुत साल पहले छोड़ी थी। उसमें से अचानक हुआ क्या, एक कार की नीचे गिर गई और वो कार की पीछे उस भागवत गीता के पीछे स्टिक हो रखी थी टेप से। वो जैसे ही उस वहाँ से गिरी, उसने देखा कि उस पे सेम डीलर का नेम लिखा था जिस डीलर से वो उस कार को परचेज करना चाहता था। एंड वो डेट भी मेंशन थी जिस दिन उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। एंड उस पे कुछ शब्द लिखे थे और वो शब्द इस प्रकार थे, पेड इन फुल। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी कि कितनी बार होता है कि हमें हमारी ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाती है, बट शायद वो हमारे पैकेजिंग जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट करी होती है वैसी नहीं होती है और हम उसको ठुकरा कर चले जाते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसके फादर ने इसको कार गिफ्ट तो करी, बट जैसे उसने एक्सपेक्ट करा था कि मेरे को इस तरीके से रिसीव हो, वो शायद सोच रहा होगा कि फादर मेरे को डायरेक्ट कार की दे दे, बट उन्होंने थोड़ी सी उसके पैकेजिंग चेंज कर दी। एंड उस पैकेजिंग चेंज करते ही वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसने जो चीज़ उसके सामने थी उसको ठुकरा के चला गया। तो दोस्तों देखिए, कई आप अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से आपके सामने जो चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, कहीं वो आप ठुकराते हुए तो नहीं चले जा रहे हैं? ज़रा सोचिए, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता जा रहा है जिसमें शायद हम पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, बट उसके अंदर जो चीज़ होती है, जो मेन कंटेंट होता है, वो शायद हम लोग सब मिस करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही रिलेशंस में हो रहा है, ऐसा ही फ्रेंड्स में हो रहा है, ऐसा ही चीज़ों के साथ हो रहा है और ऐसा ही शायद हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा है। एक बार के लिए इस पे थोड़ा सोच विचार करिए और अपने ज़िंदगी में जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से छोड़िए मत। थोड़ा बैठ के सोचिए, हो सकता है उसमें ब्लेसिंग्स हो गॉड की। सो जस्ट लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी एंड जस्ट बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।